बीती रात आए तेज तूफान ने जिथे आम जन जीवन प्रभावित किया उत्थे ही इस तूफान ने तूरी अते उसके नेड़े तेड़े इलाकों विच फसलों नूं भी भारी नुकसान पहुँचाया है। किसान बेहद परेशान ने। किसानों का कहना है कि कुदरत ने उन्हां दी मेहनत ते पानी फेर दिता है। उन्हां कहा कि जदों मीह दी फसल नूं जरूरत सी उदों मीह नहीं पिया ते हुण इस तूफान ने उन्हां दी फसल नूं खराब कर दिता है। गन्ने का साडा काफ़ी नुकसान हो चुका जी। पहला तो बारिश हुई नहीं जी, पहला असी डीजल फूक के आपका गन्ना डीजल फूक के पालेगा। हुण जो गन्ने का टाइम नेड़े आ गया थी, हुण गन्ना कुदरत ने बिल्कुल नेरी गल बिल्कुल खराब हो चुका है। वो थोड़े सामने बिल्कुल जो दिख गया बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। जो रात का झक्खड़ चलिया उन्हें साढ़े गन्ने का बहुत ज़्यादा नुकसान करता। सारा गन्ना साडा बिस गया, बिल्कुल धरती के नाल लग गया। तो असी सरकार पासों ये मंग करते हैं, कैन कमिश्नर पासों, कि वह गन्ना मिलों जल्दी हिदायत कर कि गन्ना मिलना जल्दी चलाई जाए ता कि साड़ी कुछ ना कुछ भरपाई हो सके। देखो जी, इस स्टेज पर अपने जो धूरी एरिए ज़्यादा जो झक्खड़ का नुकसान होगा, नुकसान नहीं इनू कह सकते 10% तो लैके 15% लॉजिंग हुई है, जिन्होंने आप डिग पै कहते हैं, क्योंकि इस स्टेज पर नैक्सट मंथ के हरवैसटिंग चल पड़ी है। यह मतलब जो प्रोडक्शन पर कोई असर नहीं पैंता। दूसरा नंबर पर जितों कटाई का जे घर मशीनरी कटाई है फिर तो ये लॉस पैंता, मतलब फिर लेबर ज़्यादा आती है, मशीन की खर्चा ज़्यादा बढ़ जाता। पर ह्यूमन लेबर ने बढ़नी है, अपने बंद वर्करा ने बढ़नी है, इस करके इसका लेबर से भी कोई खर्चा नहीं होता, क्योंकि आप टेढ़ा करके गन्ना बढ़ते हैं। दूजा जितों तक हैगा 15 नैक्सट 15-20 तो अपनी मिलों चल पड़िया नहीं है, इस करके इस स्टेज पर डिग्या जरूर है। इस चीज़ ना असी सहमत हैं महकमे वाले, पर यह ना कोई चूहे का जिम्मे जिमीदार कह रहा चूहे के बारे या कोई होर कोई ये टैक्निकल कोई असर नहीं गा। 10 तो 15% लॉजिंग हुई है। वो असी किसानों का जी बेनती है वो हिसाब से असं मतलब चिट्ठी लिख रहे हैं, अज ही चिट्ठी मतलब लिख देनी है। केन कमिश्नर साहब बेनती कर देंगे, मिल भी बेनती कर देंगे ताकि जिन्ना छेती हो सके वो मिल जाए। खबरां दी दुनिया विच आओ साडे नाल, कदे भी ते कितों भी जुड़ो। आपां मिलांगे फेसबुक ते, असीं दिखांगे यूट्यूब ते, सानू फॉलो करो ट्विटर ते। खबरां नाल जुड़े रहो दिन रात।